गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं रक्षंदा आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आई होप सारे लोग रेडी होंगे। सो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन कौन लाइव आ गया है और कौन कौन रेडी है आज की क्लास के लिए, ताकि हम लोग आज का सेशन बहुत स्पीड के साथ स्टार्ट कर पाए। ओके, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, एफबी ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुप में आप अपनी वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो क्वेश्चन आपके मेंस लेवल के होंगे। ओके, सो जल्दी जल्दी भाई सारे लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी जल्दी लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, जल्दी से वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट कर पाए। अ लिटिल अबाउट मी, माय नेम इज रक्षंदा सिंह एंड आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस। आपको क्या करना है, आपको अन अकेडमी के ऐप को फॉलो करना है और वहां पे रक्षंदा सिंह को सर्च करना है। ठीक है, अन अकेडमी के ऐप पे आप सभी को मुझे फॉलो करना है। सो अन अकेडमी के ऐप पे जल्दी से जाके सारे लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपके सामने बहुत ही डिफरेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, सो हम बात करते हैं सबसे पहले अन अकेडमी की। अगर अभी तक आप लोगों ने अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वहां से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, अब प्रॉफिट कैसे मिलने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। ठीक है, ओके, अब लाइव क्लासेस आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे डेली की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। हेलो अर्जित, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे। अब लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, क्विज आपके होंगे, आप कोई भी सब्जेक्ट है सारे के सारे टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, एंड क्विज के साथ साथ स्पीड से क्विज सॉल्व कर सकते हैं। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लीडर बोर्ड होगा, ठीक है, लीडर बोर्ड होगा जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा पर्सन कहाँ पे है, आप कितने स्टूडेंट से आगे लाए कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कोर्सेज, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का मन बना रहे हैं, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एक्सवाइजेड, जितने भी एग्जाम होते हैं, आप किसी का भी अगर प्रिपरेशन का मन कर रहा है, आपका प्रिपरेशन करने का मन बना रहे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है। देखिए, अनअकैडमी का आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है, आप सभी को पता होगा अनअकैडमी। आईपीएल में भी अनअकैडमी, ठीक है, चलिए मैं क्या बता रही, मैं ये बता रही, यहाँ पे जाके आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। एंड गोल सेलेक्ट करने के बाद दिस इज माय रिफिल कोड रक्सटन RAKSH10, आप इसको वहां पे डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, आप बैंक के लिए करना चाहते हैं, SSC के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि अभी हम बात करें तो RRB PO एंड क्लर्क का प्रीमियंस हो चुका है, मेंस आने वाला है, IBPS PO क्लर्क आने वाला है, सारे लोगों को पता ही है। सो अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो ध्यान रखिएगा 6 मंथ या 12 मंथ का ही कोर्स लीजिएगा, क्योंकि प्री एंड मेंस की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है,
सो आई होप सारे लोग रेडी होंगे, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन आज की क्लास के लिए रेडी है, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके मेंस एग्जाम रिलेटेड है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छे क्वेश्चन है। सो जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन लाइव आ चुका है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ टाइमिंग की, तो टाइमिंग है आपकी 11 AM मॉर्निंग, जिसमें हम आरआरबी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इवनिंग में आपकी टाइम रहती है 9 PM, जिसमें हम बैंक स्पेशल कोर्स। चले अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जितने लोग भी लाइव आ गए हो भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। महेंद्र जी कैसे हैं? चले तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड कल आप क्लास से गायब हो गए थे, सो गायब नहीं होना है भाई। ये क्वेश्चन आपने इस टाइप की पजल की होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट आपके बर्थ दिए होते हैं तो डेट दी दी जाएंगी। गुड मॉर्निंग आर्यन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, अब इस क्वेश्चन में पजल और अरेंजमेंट दोनों मिक्स है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है। ओके, लिखा है आपने यहाँ पे पजल सॉल्व की होंगी इस टाइप की, जिसमें 13 और 22 डेट दी दी गई और मंथ में हमें पर्सन का बर्थडे पता करना है। बट यहाँ पे उसमें पजल और अरेंजमेंट दोनों चीजें मिक्स है। क्वेश्चन में लिखा है देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो एंड ऑल वर फेसिंग साउथ एंड हैव देयर बर्थडे 13 और 22 फोर डिफरेंट मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, सो आई होप सारे लोग रेडी होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसा कि बोला, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें पजल और अरेंजमेंट दोनों चीजें मिक्स होकर आ गई है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा सरकम फेस वाला। आप लोगों ने ट्राई किया होगा सरकम फेस, जिसमें गिवन नहीं रहता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बट सर्कमफेस दिया होता है। एंड नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, आई होप देखने में बहुत बड़ा सा है बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, सारे लोग जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं, आज सिर्फ हम 3 सेट ही डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए और स्पीड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो जल्दी जल्दी सारे लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। जल्दी जल्दी से कॉल कर दीजिए या आज बाकी ये लोग कहाँ हैं भाई, सो रहे हैं, कहाँ गायब हैं, रिस्पांस नहीं आया है अभी तक। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए भाई सारे लोग, ठीक है? जितना स्पीड से हो जाए। और आई थिंक क्वेश्चन पूरा आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं हाइड हो जाती हूँ। अब इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करिए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो रहा है। स्पीड से करिएगा, बहुत स्पीड के साथ। आर्यन, महेंद्र, राज, आर्यन, महेंद्र, अर्जित, भाई जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। पजल एंड अरेंजमेंट मिक्स क्वेश्चन है, मैम हो रहा है। ओके, स्पीड से।
ओके वेरी गुड। राज का सॉल्व हो गया भाई, यहाँ पे कौन कौन है जल्दी बताइए, किस किस का सॉल्व हो गया है। राज पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आए बेटा। टोटल नंबर ऑफ रो में पर्सन कितने आए हैं, क्वेश्चन इजी है ठीक है, बट इसमें पजल और अरेंजमेंट दोनों मिक्स हो गया है, ध्यान से करिएगा। सॉल्व हो गया है किस किस का, जल्दी से मुझे कमेंट करते जाओ, कमेंट नहीं करते हो पता नहीं चलता है। अरे ध्यान से देखो भाई, 12 से ज्यादा पर्सन आएंगे। गुड मॉर्निंग पूजा, बेटा टाइम से आ जाया करो। चलिए स्टार्ट करिए जल्दी से भाई, सारे लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो। पजल अरेंजमेंट मिक्स क्वेश्चन है और पजल अरेंजमेंट मिक्स का बेसिक वर्जन है ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा टाइम देख देना, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। काम फोन चेंज कर रहे हैं, फोन चार्ज कर रहे हैं, ओके कोई इशू नहीं है, चार्जिंग में लगा के सॉल्व कर रहे। अच्छा 21 ओके हम चार्ज पढ़ लिया था, तो स्पीड से पढ़ो ना, कोई चीज तो आधी चीज में पढ़ती हूँ आधी हवा में ठीक है। चार्जिंग में लगाए लगाए सॉल्व कर लो बच्चा, कोई इशू नहीं। यस आर्यन 21 इज अ करेक्ट है। चले स्टार्ट किया जाए। आज मनीषा गायब है भाई, अंशिका भी नहीं आई है अभी तक। पूजा सॉल्व हुआ, महेंद्र सॉल्व हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है भाई, सबको सॉल्व करना है स्पीड के साथ, जल्दी से बताइए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, स्पीड से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन इजी है बट इसमें पजल और अरेंजमेंट दोनों चीजें मिक्स हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। अरे है मैम यही रिप्लाई नहीं दे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चा। यस कुछ लोग होते हैं बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोल के चले जाते हैं। यस तो भाई पढ़ना है तो जाना नहीं है, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो भाई, लाइक शेयर नहीं करोगे तो नहीं आएंगे यहाँ पे व्यूज। चलिए अंशिका सॉल्व हुआ, पूजा सॉल्व हुआ, एटलीस्ट बता तो दिया करो हम भी हैं। चलिए बताइए किस किस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब भाई आज क्विज देना कंपलसरी है, या नो डाउट, जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सरकम फेस वाले क्वेश्चन तो करे ही होंगे ना। यस 21 सही है मैम, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखो
इस क्वेश्चन में जैसे आप पजल सॉल्व करते हो ना बच्चा, पजल में क्या होता है, मंथ्स दिए होते हैं, मंथ्स में दो डेट दे दी जाती है और पर्सन हमें अरेंज करना होता है। तो इसमें वो भी मिक्स है, पजल भी है और इसमें अरेंजमेंट भी है। ठीक है, अरेंजमेंट भी है, हमें पर्सन को अरेंज भी करना है रूम में, और लिखा हुआ है ऑल आर फेसिंग साउथ। ठीक है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है। सर्टेन नंबर पर्सन हो गया, फेस साउथ में, ठीक है। यहाँ पे उनकी क्या आ गई, बर्थ डेट आ गई, मंथ्स आ गए, तो तीन वेरिएबल्स के साथ ये क्वेश्चन है। अगर इसमें ओके अंशिका डन, ठीक है, अगर इसमें ब्लड रिलेशन हो जाता तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज। चलो मैं स्टार्ट करूँ, अंशिका एंड राज का सॉल्व हो गया है। अंशिका क्या हुआ, डन लिखने के बाद मैसेज क्यों डिलीट कर दिया बच्चा? चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। नहीं बना मैम, कोई इशू नहीं है, एक मिनट का टाइम दो, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ठीक है, बस एक मिनट का टाइम दीजिएगा। थोड़ा सा स्पेस कर ले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट अदरवाइज स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है मैम, बन गया है, ओके, आपका तो सॉल्व हो गया है, बाकी यहाँ पे किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। मैं बस थोड़ा सा स्पेस कर ले रही हूँ ताकि हम लोगों के पास स्पेस हो जाए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए, रेडी है सारे लोग? तो स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग साउथ एंड हैव देयर बर्थडेज 30 एंड 22। तो यहाँ पे एक चीज की तो बात हो गई, तो मैम बोल रहा हूँ ब्लड वाला मिक्स होगा तो नहीं बनेगा, कोई इशू नहीं, कराएंगे, ब्लड वाले भी कराएंगे, टेंशन मत लो, सारे कराएंगे। मैंने आपसे क्या बोला है, हम हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये जो डर है वो चला जाए। ठीक, चलो मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ, बस ये टेबल लास्ट में फिल होगी, ये मान के चलो। मंथ कौन कौन से दिए हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब आपको पता है यहाँ पे 30 वाले कौन से हैं और 20 वाले कौन से हैं। ओके चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कि टू पीपल सिट बिटवीन एन एल एच, तो एल और एच के बीच में दो पर्सन है, तो मे बी एल ये हो सकता है, एच ये हो सकता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लिखा है हु से हु इज 6 प्लेस अवे फ्रॉम डी। तो ध्यान से देखो, स्पेस कम है, क्या क्या बोला है, हु किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। सो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन इज एच। एच क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, एच सेकंड 6 प्लेस पे है डी के, और डी सेलिब्रेट, सो यहाँ पे मैं डेट लिख दे रही हूँ 13 एंड 22। डी सेलिब्रेट डियर बर्थडे 22 जुलाई, तो ये डी आ जाएगा, करेक्ट। अब ये एच है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डी आ गया, ये एच है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना क्लियर हुआ। डी सेलिब्रेट हो गया। ई से इट्स 2 प्लेस लेफ्ट ऑफ ओ, अब ओ नहीं पता कहाँ है, ओ से टेक द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो ओ आपका एंड पे है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेलिब्रेट हिज बर्थडे
सेट्स टू प्लेसेस लेफ्ट ऑफ ओ, ध्यान से समझना है, अगर आप लेफ्ट को राइट हैंड साइड वाली रखेंगे क्योंकि यहाँ पे सबका फेस का है साउथ में है, तो ओ इस एंड पे तो आना नहीं है, तो ओ कंफर्म है आपका कि ओ तो आपका इस एंड पे आ गया, ठीक है। अब ओ इस एंड पे आ गया, ये वाले पॉइंट मैंने अलग लिखे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओ सेट एट द एक्सट्रीम एंड एट ए सेलिब्रेट E set two places left of O. तो first और second ये E आएगा. Next, next बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है A celebrate birthday of 22nd month which has even number days. Even number days क्या होगा? उन्हें September. खैर आगे बढ़ो. आगे लिखा हुआ है, तो आपका जो ये ए आएगा, जाओ भाई, ए आने की यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पूजा समझ में आ रहा है बेटा, कमेंट करते रहना मुझे, ठीक है। जी सेट्स टू द राइट ऑफ एल, ठीक है, जी कहाँ है, एल के राइट में है। नेक्स्ट, फोर पर्सन बिटवीन एल एंड ए, ठीक है, एल और ए के बीच में फोर पर्सन, तो ये एल था, एल और ए के बीच में फोर पर्सन है, 1 2 3 4 1 2 3 नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखी हुई है, कहाँ गया, एल सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर ए, एल जो है वो ए से पहले आएगा, एल अगर ये ए है तो ये एल आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ए सेट सिक्स फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो, थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ रो, तो ए जो है वो एंड पे है, अभी पॉइंट फिक्स हुआ ना, तो ये जो ए है वो एंड पे है, बट कहाँ एंड पे है, कोई इशू नहीं है बेटा, जिसको पढ़ना होगा वो रुकेगा। ए आया, ठीक है, बिफोर एल एंड टू एच, एंड टू ई, फेस कम हो रहा है कि रुको यार, शिफ्ट कर देगा थोड़ा सा, एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और डी और ई अभी रिलेट हुआ नहीं है, और उसने बोला था कि ए एंड पे है और फोर पीपल है एल और ए के बीच में, 1 2 3 4 ही ए आया, 1 2 3, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, ठीक है, और ओ और ई आपका ये ऑलरेडी, ठीक, ये वाला हटा दिया। आगे पढ़ो, आगे लिखा हुआ है एच सेलिब्रेट हिज बर्थडे 13th ऑफ अ मंथ बट इमीडिएटली आफ्टर ई, ठीक है, तो एल जो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा एच, तो ई के तुरंत बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जी सेलिब्रेट बिफोर के एंड बोथ देयर बर्थडे ऑन द मंथ विच हैज इवन डेज, आपसे बोला है जी और के सेम मंथ्स में, तो जी और के सेम मंथ्स में है, तो कहाँ जाएंगे वो, डेफिनेटली कहाँ जाएंगे, जून में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगस्त और इसमें तो आ ही नहीं सकते, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है एच सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, एच सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, ठीक है, एच आपका मिडिल में है, मतलब इसके जिस साइड, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सकते हैं, ठीक
एचएफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ये हो जाएगा, ये ई आ गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो आपको पता चल गया, आगे पढ़िए, आगे पढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इधर तो जा ही नहीं सकते, तो ये केस आपका हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो ऑलरेडी आ गया, अपने आप आ गया बाय डिफॉल्ट। के लिव्स 9 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो हम लोगों ने मिस किया था वो ये वाला मिस था, जी सेट्स टू द राइट ऑफ एल, तो दिस इज एल, इसके राइट में है और जी राइट में है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई सेट सेकंड राइट ऑफ डी, के लिव्स 9 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 प्लेसेस जाना है, ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या जाएगा, ओके, ई सिट्स नाइदर बिटवीन एच और डी, क्योंकि एच और डी के बीच में जा नहीं सकता, तो यही प्लेस बचा है, तभी 9 जा सकते हैं, नॉर डी और ई। ठीक है, क्लियर हो गया, आ गया समझ में, जल्दी से भाई बता दो सबका क्लियर हुआ। अब हम इनके मंथ डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे ए आएगा नहीं, तो दिस इज अ ए, और अब ये ए आ गया, तो ए आ गया, एच से पहले ई है, तो ये ई आ जाएगा और ये एच आ जाएगा। अब यहाँ पे एल, हिज बर्थडे बिफोर ए, तो एल का बर्थडे ए से पहले ही है, तो दिस इज अ एल और दिस इज अ ओ। क्लियर हो गया सबका, आप जल्दी से भाई मुझे कमेंट करके बताओ क्या सारे लोगों का क्लियर हुआ है, गायब नहीं होना यार, तुम लोग भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आओ मेंस टेबल का, फिर सब गायब हो जाते हो, और नहीं करो तो बोलते हो मैम मेंस टेबल नहीं करा रही हो, क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता है, तुम लोग पढ़ते पढ़ना चाह रहे हो नहीं जा रहे हो, मेंस लेवल क्वेश्चन डिस्कस कराओ तो गायब हो जाते हो, प्री लेवल कराओ तो नहीं गायब होते हो, नहीं मैम ओके। अच्छा मुझे बताओ समझ में आया बच्चा, पहले कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया, मैं रिपीट करूं, रिपीट करने में कोई इशू नहीं है, बट आपको बस समझ में आना चाहिए, जल्दी से बता दो समझ में आ गया, नेट बिल्कुल स्लो चल रहा है, कौन सा नेट है भाई इतना स्लो चल रहा है, आपके नेटवर्क नहीं आते क्या, कुछ नहीं समझ आया, ओके मैं रिपीट कर रही हूँ, नो इशू। राज आपका क्लियर है ना, अंशिका गायब हो गई है, भाई कहाँ गायब हो जाते हो आज, रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है, एयरटेल में कुछ इश्यू हो रहा है, एयरटेल में एक्चुअल में कुछ इश्यू होता है, रूम के अंदर नेट नहीं चलता है, रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, देखो पूछो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या आपसे यहाँ पे पजल के साथ साथ अरेंजमेंट मिक्स है, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है, ऑल क्लियर ओके, ऑल इज वेल, क्लियर। टू पीपल सिट बिटवीन एल एंड एच, तो एल और एच के बीच में दो पर्सन है, बेटा हम एल ये रखेंगे तो 1 2 H ये हो सकता है, अगर एल ये रखा तो 1 2 H ये हो सकता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ एल एन एच, हु इज सिक्स प्लेस अवे फ्रॉम डी एंड डी सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 22nd July, इसको मैं यहाँ पर बना दू, सो जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर 13 and 22nd, तो डी का जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है वो 22nd July को कर रहा है, तो ये डी आ जाएगा। ई सेट्स टू प्लेसेस लेफ्ट ऑफ ओ, तो ई कहाँ है, ओ के लेफ्ट में है टू प्लेस, और ओ एक्सट्रीम एंड में है। अब एक बात बताओ, आपके जो पर्सन है उनका फेस कहाँ है, साउथ में है ना बेटा, तो साउथ में दिस इज अ राइट हैंड साइड एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम ओ को इस एंड पे रखेंगे क्या इसके लेफ्ट हैंड के कोई जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो कंफर्म है कि ये जो ओ आएगा वो इस एंड साइड आएगा और ये ई आ जाएगा, इतना क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि ए सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन 22nd बट इवन डेज। तो इवन डेज या तो आपका जून में होगा या सितंबर में होगा। देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ए। ही सिट्स टू द राइट ऑफ एल। ये एल है जी, इसके राइट में कहाँ है हमें नहीं पता। डी सेलिब्रेट कहाँ कर रहा है अपना बर्थडे 22nd को, और यहाँ पे लिखा है एच जो है वो उसके सिक्स प्लेस अवे है। ये एच है 1 2 3 4 5। मैम वो जो आपने क्वेश्चन दिया था ना 9th में, उसका सोल्यूशन बता देना मैम। सॉल्व हो गया है पर थोड़ा डाउट है, याद भी नहीं मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था। लॉवर्स वाला, बकेट्स वाला, बुके वाला, बुके वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, बता दूंगी मैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ए सेलिब्रेट हिज बर्थडे हो गया। जी सिट्स राइट ऑफ एल। तो एल के राइट में है, तो एल के राइट में कहीं होगा हमें नहीं पता। ठीक, एल के राइट में जी है, राइट में कहाँ है हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फोर पीपल देयर बर्थडे एल एंड ए। एल और ए के बीच में 4 पर्सन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर ए। एल का जो बर्थडे होगा वो ए से पहले सेलिब्रेट करेगा। ए सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। अब लिखा है कि एल, अगर ए इधर जाओगे तो एक्सट्रीम पे तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक्सट्रीम पे थर्ड राइट एंड से ई है, तो डेफिनेट लेफ्ट एंड से होगा। और यहाँ पे उसने क्या लिखा है, फोर पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिटवीन एल एंड ए। 1 2 3 4 ये आ जाएगा, 1 2 3 सॉरी 2 पर्सन रहेंगे ये वाले, ये नहीं है पर्सन सेम, ये एल है 3। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एच सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द 13th मंथ। एच का बर्थडे 13 में, एंड बट इमीडिएटली आफ्टर ई। एच का जो बर्थडे है वो ई के बाद है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ विजुअल हो रही है, देखो एच का जो बर्थडे है वो ई के बाद है, और दोनों कहाँ है 13 में। एच का बर्थडे 13 में है, ई का बर्थडे आपको नहीं पता कि कहाँ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी सेलिब्रेट बिफोर के एंड सेम मंथ। तो बेटा सेम मंथ में जी और के जाना है, और इवन होना चाहिए। देखो जी सेलिब्रेट हियर देयर बर्थडे इन द मंथ व्हिच हैज इवन डेज। इवन डेज यही आ जाएगा, तो जी सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिफोर के। इतना क्लियर हुआ। सो ये एक कैंसिल हो गया, ये ए फिक्स हो जाएगा, फिर ये ई बचेगा और ये एच बचेगा। पजल वाला तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एच सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, मीन एच के राइट और लेफ्ट में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है। सो ये एच है 1 2 3 4। अब इधर तो ज्यादा है, धन ये केस ही कैंसिल हो गया। एच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी 10 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे वो आ जाएगा, ये ई आ जाए। ठीक, ज्यादा कर लेगा। अब यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, के 9 प्लेस हो गया, एच सिट्स हो गया, ई सिट्स सेकंड राइट ऑफ ये फर्स्ट एंड सेकंड। ये पर्सन नहीं है, मैं इरेज कर दे रही हूँ वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है के लिव्स 9 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ जी। के जो है वो जी के 9 प्लेसेस लेफ्ट में है, और जी सिट्स नाइदर बिटवीन एच डी नॉर डी। जी एच आपका जी यहाँ भी नहीं आ सकता, जी यहाँ भी नहीं आ सकता। अभी इससे लेफ्ट में 9 काउंट कर लो। अगर हम ये रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबल नहीं है, सो डेफिनेटली जी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अब क्लियर हुआ, आगे समझ में, सारे पर्सन फिक्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पर्सन बचा है एल और ए, और यहाँ पे लिखता है कि एल बिफोर ए। एल ए से पहले आना है, तो ये एल आ जाएगा, दिस इज अ ओ। तो जल्दी से बताइए क्लियर हो गया।
पूजा आप क्लियर हुआ बच्चा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ, स्पीड से बताइएगा। क्या सारे लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट इसमें पजल और अरेंजमेंट दोनों चीजें मिक्स हो गई थी। भाई जल्दी से कमेंट कर दो सबका क्लियर हुआ। यस ओके वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल सिट इन अ क्यू। जल्दी से बताइए इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। अंशिका गायब हो गई है। बेटा गायब नहीं होना है बच्चा, जल्दी से भाई वापस आ जाओ। यस ऑप्शन ई 21 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है सो 21 नन इज अ करेक्ट आंसर। डन। हु सेलिब्रेट बर्थडे ऑन 13 जून। 13 जून को भाई किसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया? 13 जून को हम बात करें 13 जून को जी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट तो डी के ओ ई ए, इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? यस पूजन राज आंसर आप लोग करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट डी के ओ ई ए। डी के ओ ई ए यस ओ इज अ करेक्ट आंसर। बाकी सारे 22 के हैं और ओ आपका जो है वो 13 का है। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट एच। एच के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट हो जाएगा? ध्यान से आंसर दीजिएगा। टू पीपल सिट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में दो पर्सन है, ध्यान से देख लीजिए। नो बी सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ एच एंड 2-3 राइट में है। एल सिट्स टू द राइट ऑफ एच। नो ऑल द अबव नन ऑफ द अबव है ना। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आगे समझ में? जल्दी से मुझे कमेंट करो क्लियर हो गया। यस ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? एंड मेन स्लिपिंग क्वेश्चन कराओ तो सब गायब हो जाते हैं है ना। गायब नहीं होना है भाई, अभी यहां से डर जाओगे तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। रेडी हो ना? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन है। मोहिशु बच्चा आज ट्यूसडे है, प्री की प्रिपरेशन करते रहो बट मेंस के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो प्री के बाद मेंस का एग्जाम जल्दी से हो गया फिर कैसे दोगे है ना। तो प्रिपरेशन आपको जो करनी है वो बेसिक, आपको इजी क्वेश्चन भी आना चाहिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आना चाहिए। आईबीपीएस पीओ का कब है आपका एग्जाम? जो एग्जाम कब है बेटा? आईबीपीएस पीओ का कब है? देखो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लोगे तो इजी क्वेश्चन में बस स्पीड पकड़नी होती है और आईपीएस पीयू में बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। आरआरबी पीयू इजी होता है बट आईपीएस पीयू प्री भी आपका डिफिकल्ट रहता है। ओके देखे नहीं हो कोई इशू नहीं। चलिए सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल which has a circumference of 616. All the persons are facing towards the center. They are sitting in a distance to each other which are consecutive multiple of 8. 8 का मल्टीपल है तो 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 48 भी दिया है तो 8 का मल्टीपल डिसाइड कर लो भाई। 8 का मल्टीपल डिसाइड कर लो कि 616 आ जाए एट So, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट करिए स्पीड के साथ।
They are sitting in a distance to each other with a consecutive multiple of 8. 8 के मल्टीपल में इंक्रीज हो रहा है। ये सर्कमफेस वाले क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेट किए होंगे, नहीं किए हैं तो कोई इशू नहीं है, किए की बात है। और अगर किए हो सारे लोग तो प्लीज इसको कोई आंसर सॉल्व करना चाहिए। लिखा हुआ है ओ स्प्लिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सर्कल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं देते, फेस ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटर में, बस सिंपल है भाई, ध्यान से पढ़ो। ओ स्प्लिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, कहां है, थर्ड लेफ्ट में है ए के। जी इज थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम ओ, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम बोले कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। और सर्कम फेस वाले क्वेश्चन शायद अगर आपने नहीं किए तो भाई ट्राई कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 616 टोटल सर्कल का सर्कल फेस है, उसके अकॉर्डिंग करना है। राज पूजा जल्दी से बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजीली कर लोगे। का टेबल तो याद होगा ना, और अगर 8 का टेबल याद है तो जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया था समझने में, एंड इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, बट ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो भाई जितने लोग भी लाइव हो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए जाते हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और आप सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो भाई प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सबसे पहले ए को फिक्स करोगे, अगर ओ को फिक्स करोगे, दीज थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम ओ, सी एंड ओ एट लीस्ट, एंड ओ सिट लीस्ट, सी और ओ है जो उनकी कम से कम डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट इज डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जो है आपका जी का डिलेट लेवल है। नेक्स्ट पॉइंट इज जी आर डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी हैविंग अ डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर बिटवीन दैम, डी और जी के बीच में 48 सेंटीमीटर है, बस रिलेट कर लोगे कि 48 नेक्स्ट 56 दैट्स इट, सिंपल है क्वेश्चन, बस ध्यान से थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो, ठीक है। F and B are immediate neighbors. One person sitting M and G. This same number of people. Very good. बहुत अच्छे। मुझे बेटा जल्दी से अब try करो, solve हो रहा है। आर्यन तो पहले मुझे ये बताओ total number of person कितने हैं? Total number of person कितने हैं राज? एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सीरियसली टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आए हैं जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके।
रिस्पॉन्स नहीं आ रहे भाई, कहाँ गए सब? स्टार्ट करूँ मैं क्वेश्चन को? 15 आज इन कंफर्म बेटा 15 आ रहे हैं। आपका आ रहा है? चलो अभी चेक कर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को, जल्दी से देखिएगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल सच द सर्कमफेस 6। तो सर्कल का जो सर्कमफेस है वो 616 है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, अब एक बात बताओ, आपको ये पता है जितने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है, 616 ऐड करने पे आना है, और सारा का सारा क्या है, 8 का कंसेक्यूटिव है, ठीक है, 8 के कंसेक्यूटिव है मल्टीपल ऑफ 8, वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 8। अगर आपने ये ए रखा तो 1 2 3 दिस ओ, इस 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ओ, ठीक है, जी का है 3 प्लेस अवे, थर्ड प्लेस पे है 1 2 3, ये क्लियर, देखते जाओ भाई ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सी एंड ओ द लीस्ट डिस्टेंस, तो मे बी आपका सी ए भी हो सकता है और सी ए भी हो सकता है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस जो पास में है उनमें ही होगा। नेक्स्ट वर्ड थी डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी आर हैविंग 48 सेंटीमीटर, दिस इज अ जी एंड दिस इज अ डी, और इनके बीच का जो है वो 48 है। अब ये बताओ अगर ये 48 है तो 48 से कम कितना होता है, 40, 32, 24, 60, फिर ये की तो लीस्ट आएगा तो ये कैंसिल हो गया, समझ में आया, आगे बढ़ो। अब चेक कर लो, यस चेक कर लो, क्या 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 48, 48 के बाद क्या होता है 8 प्लस 36, 64, 36 प्लस 64 प्लस 72 नहीं हो रहा है, नहीं आया, ठीक है, प्लस 80 एंड 8 प्लस 90 ऐड करें, 616 आ गया, क्लियर है, इतना समझ में आ गया बेटा। 8 लेंगे तो कम हो जाएगा, 8 लोगे तो कम हो जाएगा, ध्यान से काउंट करो, 8 लोगे तो पर्सन ज्यादा हो जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म करते हैं, ध्यान से पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते हैं। एफ एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, एफ और बी जो है इमीडिएट नेबर्स, एफ एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स, one person sit between M and G, तो this is G, clear, तो M और G के बीच में एक person है, maybe ये M हो जाएगा, next point पे बढ़ते हैं, the same number of people sit between A and G as the same G and E, तो उसने बोला, yes, तो उसने क्या बोला, उसने बोला है कि F and B are immediate neighbors, तो F और B immediate neighbors है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड जी, तो एम और जी के बीच में एक पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एम और जी के बीच में एक पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, द सेम नंबर ऑफ पर्सन पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी इज द सेम जी एंड ई, तो जी और ई और ए और जी के बीच में सेम पर्सन आएंगे, ठीक है। ए और जी ए है और जी और ई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे
जी और ए के बीच में 1 2 3 4 5 है। हाँ अगर हम 1 2 3 4 ए रखेंगे तो ए और जी के बीच में भी 4 होना चाहिए क्योंकि 5 पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 4 यही बनेगा ना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड जी इज नॉट मोर देन 100। अभी 48 था कंजुगेटिव है तो ये 56, 64, 72, 80, 80 और ईजी है, ए ही नहीं है, आर्यन ए ही नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, इसीलिए गड़बड़ कर दिए हो। ठीक है, 80, 80 के बाद कितना है, 88, 56, 64, 72, 80, 1 2 3 4 ये पर्सन ज्यादा लिख दिया, ठीक है ये पर्सन नहीं है, 88 और ये हमारा आ जाएगा 96, क्योंकि देखो जी और ई के बीच में 1 2 3 4 तो ए 1 2 3 4, क्लियर, इतना क्लियर हुआ, आया समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड जी इज नॉट मोर देन 100, तो जी ये है, ओ ये है, 100 से ज्यादा नहीं है, कंफर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ ये है तो सी राइट में डेफिनेटली है। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए डी एंड ओ, एफ जो है वो ए डी ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है, ए यहाँ नहीं आ सकता, ए ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता, ठीक है छोड़ते हैं अभी। एफ और बी इमीडिएट नेबर्स है तो हम एफ कहाँ रखें बी कहाँ रखें अभी कंफर्म नहीं कर सकते। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी ओ एन ए, तो ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा एफ। एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो एल इमीडिएट नेबर नहीं है सो ये चला जाएगा एल। के इज ऑल्सो सिटिंग इन द सर्कुलर अरेंजमेंट, सो के को अगर हमें रखना है तो के हमारा कहाँ बचेगा, डेफिनेटली जी के बीच में, जी और एम के बीच में ही के आ जाएगा। आई थिंक मैं कंफर्म हूं ना, ये सारे क्वेश्चन का प्लेस जो है हमारे पास फिक्स हो गया है। आर्यन क्लियर हुआ, पूजा क्लियर हुआ, भाई जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आए हैं समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करो, काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने आए हैं, कि कलर कोई चेंज होता हो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, यस 11 पर्सन आया, यस सही है, यस ओके क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन ये इजी होते हैं बट इजीली पढ़ोगे, आपके 15 आए थे ना पहले, ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। आपने वो वाला पॉइंट यहाँ पे इसको ए एज्यूम करके करा था इसलिए गलत होता है, ध्यान से करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल सेट बिटवीन एफ एंड के काउंटेड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से काउंट करना है, सो दिस इज अ एफ F and K, so 1 2 3, there are 3 persons, clear, jaldi se bhai answer dijiye। So second question ka answer kya ho jayega, second question pe padhte hain, what is the least distance between D and M, so D aur M ki least distance check karni hai, M ye hai D ye hai, reverse jayenge bahut zyada ho jayegi, 48 40 aur 32, yeah 48 डी एंड एम बोला ना, 40 120 इज द करेक्ट आंसर, जो तो गायब हो गई है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एम फ्रॉम काउंट लेफ्ट ऑफ बी, जल्दी से बताओ भाई क्या हुआ, बी और एम के बीच में कितने, तो बी के लेफ्ट से काउंट करना,
1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 persons. Next, what is the least distance between C and L? तो C और L के बीच में कितने पर्सन है? तो अगर हम चेक करेंगे C and L, कहाँ से चेक करना है पता नहीं. C और L के बीच में है 1, 2. इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, डिस्टेंस पूछ रही है, काउंट कर. डिस्टेंस भी तो दो आएंगी है ना. चलो चेक करते हैं C और L के बीच में 80, 88 और 96. ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज. हाँ, दो आंसर आएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. एंड अब भाई मुझे ये कमेंट करके बताओ, मैंने आज डिफिकल्ट क्वेश्चन करा है, मेंस लेवल के तो सब गायब हो गए, क्या कराना है? इजी क्वेश्चन कराए फिर क्या किया जाए? इजी क्वेश्चन डिस्कस करे जाए फिर, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए लेके आओ तो सब तो गायब हो जा रहे हैं. है ना, मेंस लेवल क्वेश्चन कराने पे सब गायब हो जा रहे हैं. अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्री निकालने से कुछ नहीं होगा अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ तो, आप सभी को पता है, जिसने भी एग्जाम दिया है सबको पता है कि मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेंस में टाइम प्रॉपर मिलता है. मिलता है ना टाइम प्रॉपर? वहां पे देखो, प्री सिर्फ आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, प्री सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है. बट मेंस की अगर मैं बात करूंगी तो मेंस स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है. मेंस में क्या रहता है? मेंस में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. एसबीआई पीओ की मेंस की कट ऑफ देखिए, रीजनिंग की बहुत हाई जाती है, हाई नहीं जाती है मतलब बहुत कम जाती है. कम इसलिए जाती है क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं, वहां पे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाते. तो भाई ये नहीं करना है ना. नहीं करना है, ये करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. बताओ भाई क्या करें फिर? मेंस नहीं देना है, खाली फ्री देना है यहाँ पे सबको. मुझे कोई इश्यू नहीं है इजी क्वेश्चन कराने में, आप ही के प्रॉफिट के लिए करवा रही हूँ. आयरन बताओ कमेंट करके. तो कल की क्लास में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन रख के, मतलब यही लेवल रख के, या इससे लो लेवल करते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके. बताओ भाई जल्दी से, इससे लो लेवल रखना है या इसको ई लेवल मेंटेन करना है या धीरे धीरे थोड़ा और डिफिकल्ट करते जाना, बताइए. कमेंट करते जाइएगा. नो मैम, ओके ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा है बट एक्चुअल में इजी है. ठीक है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे. एंड ओके ओके ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज. क्विज स्टार्ट करते हैं. आंसर मैं अभी भेज दूंगी आपको टेलीग्राम पे. टाइम हो गया ना बेटा, क्विज स्टार्ट कर देते हैं. अभी मैं आंसर आपको भेजूंगी टेलीग्राम पे, बट अभी क्विज स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो इसका कोड मैं बता रही हूं. ठीक है, तो क्विज देना स्टार्ट कर दीजिएगा. फाइव क्वेश्चन है और फाइव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना है सबको. ठीक है, सो क्विज का कोड आ गया है आपके सामने 217570. तो मैं ये फॉरवर्ड कर दे रही हूँ.
जल्दी से क्विज ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी जल्दी भाई सारे लोग क्विज ज्वाइन करो। क्विज का कोड भेज दिया है सबको, जल्दी से आ जाओ भाई। जल्दी से बताइए कौन कौन जुड़ चुका है क्विज में। जल्दी अंशिका ज्वाइन हो गई है, जल्दी से भाई सारे लोग क्विज ज्वाइन करें। स्पीड से ज्वाइन होना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है। अंशिका जुड़ी है बस, और कोई नहीं आया अभी तक भाई। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। स्टार्ट कर देते हो और कोई नहीं आ रहा। चलो मिनिमम 2 लर्नर, 6 लर्नर कहाँ से लाए। जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन आ गया है। क्विज स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो हम लोग अब मिलेंगे कब, क्विज स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक है। सो अब हम लोग मिलेंगे इवनिंग में 9 PM, तब तक के लिए।